अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग सब्ज़ी मार्केट आए हैं सामान लेने के लिए। यहाँ पे कौन है आप? है टमाटर का पेटी कितने का? टमाटर ये 25 है। कितना किलो है? अस्सलाम वालेकुम, मैं सेफ के साथ आया हूँ गोश्त लेने। पकड़ बस आधा रस्सी। और ये लोग कह रहे हैं बस ये गोश्त लेने के पास है। ये बोल रहा है कि इसको तकरीबन कितना 10 किलो चाहिए गोश्त। सबसे हैवी पीस वो पड़ा है माशा। आजकल बस यही काम। ये अभी हम लोग इसको खोल रहे हैं, बाजरा डालने आए हैं। चलो चलो बस 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 ये गिर जाएगा। इसको हमने अब बस इसमें से निकालेंगे और डालेंगे। पांच बजे तो पागल है ना? अब मुझे ना बिठा ले कुत्ते। प्रैक्टिस कर रहा था बंदे मारने की। देखने मैं अम्मी के साथ आया हूँ शॉपिंग करने थोड़ी सी, और बस रश वगैरह काफ़ी है तो काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग डालूँगा मैं इंशाल्लाह। और बाकी कुछ खास नहीं। क्या चल रहा है आजकल? आजकल इंटर्नशिप का देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आगे क्या करना है, और उसी में थोड़ा सा बिजी हूँ। इसके ऊपर तो बकायदा अलग व्लॉग बनेगा कि किर्गिस्तान से आके और उधर क्या स्टोरी हुई, क्या क्या चीज़ें हुई और क्यों हुई। दैट वाज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग और ब्लंडर ही था वो, तो एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग और ब्लंडर के साथ साथ ही स्टोरी हुई। बट होपफुली सब ठीक हो जाए, जो कि लगता है कि नहीं होगा जितने बच्चे वहाँ से आ चुके हैं। तो मैंने बोला कि साथ साथ ये स्टोरी भी हो ही जाए थोड़ी सी, कि ब्लंडर क्यों हुआ, क्या वजह थी। ब्लंडर तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हुआ था, और दैट वाज रॉन्ग। जो भी था पुलिस डील करती, इट वुड हैव बीन बेटर, बट लाइक वो नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। और मैंने उठाया डोरिटोस का एक नया वर्जन जो कि चीटोस की कॉपी है, बट हाँ मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। ये तो मैं कभी भी ट्राई भी ना करा।
और अम्मी के साथ शॉपिंग करने आना कोई आसान काम है। बहुत ही ज़्यादा सब्र आपके पास होना चाहिए, बस यही मैं बोलूँगा। सब्र और मुस्कुराहट के साथ दुनिया कायम है।